हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डील करने जा रहे हैं वो है आपका आरएनसी का राइटिंग सेक्शन। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे, आज ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसमें हम जानेंगे कि आपको किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे आपको मैक्सिमम आपका अटेंशन देना है, किस चीज किस सेक्शन पे आपको मैक्सिमम आपका सेक्शन अटेंड करना। पहले इसके जानने के पहले कुछ चीज जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक कॉमन सा फैक्ट है, टास्क जानने के टास्क करने के पहले टास्क को जानना जरूरी है। तो पहले टास्क जान लेते हैं कि टास्क है क्या, रियली इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि अगर आप कंसेप्ट क्लियर करोगे इस चीज के विषय में जान लोगे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में से आपको बहुत कुछ आपको डे टू डे लाइफ में जो करना होगा जिससे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, पहले नंबर देख लेते हैं कितने नंबर का आता है। पहले ये 30 नंबर का होता था, ठीक है, बाद में ये इसमें 19 नंबर की बढ़ोतरी होती है और ये बनता है 49, जो कि एक ही साल इस पे पूछा गया, और बाद में ये फिर 50 नंबर। अभी ये 50 नंबर का राइटिंग सेक्शन आपका आता है, ठीक है, 50 नंबर का राइटिंग सेक्शन आता है। ठीक है, उसके बाद पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है ये देखते हैं, फिर आपको हम बताएंगे क्या पैटर्न फॉलो करना है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और भी कैसे द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ आरएनसी फॉर आस्किंग क्वेश्चन। आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है जिसके राइटिंग जिसके थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका एसे, कंपोजिशन, स्टोरी राइटिंग, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, स्पीच, डिबेट और आर्टिकल। इतने क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो लास्ट थ्री है स्पीच, डिबेट और आर्टिकल, इससे एक या दो बार ही क्वेश्चन पूछा गया, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए ये तीनों से। ठीक है, इधर वाला जो सेक्शन आप जो देख रहे हैं कंपोजिशन, स्टोरी राइटिंग, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, इनसे ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम। और ऊपर का थ्री ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कभी कभी मिस भी होते हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले पैटर्न समझना है, तरीका समझना है, कैसे आप अटेंड करोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए इससे समझ लेते हैं। इससे आपको तीन तरह से पूछा जाता है, कभी ये आपको 10 नंबर का, कभी 5 नंबर का, कभी 3 नंबर का। ठीक है, खासकर आप जब राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट करते हो तो नंबर बहुत अहम भूमिका निभाता है। नंबर जो अलॉट हुआ है उसी के अनुसार आप राइट करोगे, नंबर अलॉटमेंट के अनुसार आपको वर्ड्स दिया जाता है। जैसे अगर 10 नंबर का है तो आपको 120 टू 150, समटाइम्स इट मे बी 150 टू 200, यही रहता है। ठीक है, अगर 10 नंबर आपको अलॉट हुआ है क्वेश्चन के लिए, अगर उसी क्वेश्चन के लिए सेम क्वेश्चन के लिए 5 नंबर अगर अलॉट हुआ है, सेम क्वेश्चन के लिए 5 नंबर अलॉट हुआ है तो आपको 60 टू 75, 70 इसी के बीच में लिखना रहता है। ठीक है, 70 एज पर क्या क्वेश्चन दो ऐसा रहता है, अगर 5 नंबर है तो दो क्वेश्चन का, तो आपको अगर 120 लिखना है तो 60 टू 65, अगर वही क्वेश्चन आपको अगर दो क्वेश्चन है 150 वर्ड में लिखना है तो 70 75। मतलब मेरे कहने का मतलब है इससे में आपको दो क्वेश्चन, सपोज कीजिए 4 क्वेश्चन दिया गया उसमें से दो लिखना है, और इससे कितना नंबर अलॉट हुआ है 10 अलॉट हुआ है, तो आप दो के लिए बराबर बराबर देते हैं। तो अगर 150 वर्ड है तो 75 75 लिख सकते हैं, तो अप्रॉक्स आपको 60 टू 75 या 60 टू 70 वर्ड्स आप 5 नंबर का अगर क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर अलॉटेड है तो 60 टू 75 इसी के 60 70 75 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर वही क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, वही क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो आप 40 वर्ड 40 40 टू 45 इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 40 टू 45 वर्ड से ज्यादा आप नहीं लिखोगे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपको नंबर अलॉटमेंट के अनुसार चलना, सेम क्वेश्चन था तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन था, तो हम उसके लिए 120 टू 150 और इट मे बी समटाइम 150 टू 200 था। अगर उसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन के लिए अगर 5 नंबर अलॉटेड था तो हम कितने पे गए थे, 60 टू 75 वर्ड्स। ठीक है, 60 टू 70 या 75 वर्ड मैक्सिमम। अगर वही क्वेश्चन 3 नंबर में आता, वही क्वेश्चन अगर 3 नंबर में आता तो हम कितना 40 वर्ड से ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 40 टू 45 मैक्सिमम। ओके, तो आपको नंबर अलॉटमेंट बहुत अहम भूमिका निभाता है, खास करके जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, ये जो कि आपका ऐसे कंपोजिशन मैक्सिमम हर एक एग्जाम में रहता है, हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें आपको नंबर जो अलॉटमेंट हुआ है उस अनुसार चलते हैं। लेटर ऑन अगले क्लास में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है, दोनों को डील कैसे करते हैं, लिखने का पैटर्न क्या है, ये हम बाद में डील करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग आपका जो होता है इसमें आपको एक पिक्चर डिपिक्ट किया रहता है, एक पिक्चर दिया रहता है और पिक्चर के बेसिस पे आपको एक स्टोरी लिखना रहता है। ठीक है, और ये माइंड सेट आप क्लियर कर लो कि आप जब पिक्चर देख रहे हो उसका क्लियर कनेक्शन आपके स्टोरी के साथ रहना चाहिए, एकदम क्लियर। दैट मीन्स
स्टोरी पिक्चर बोथ आर सेम, मतलब कोई अगर पिक्चर देखे तो स्टोरी समझ जाए, स्टोरी देखे तो पिक्चर, मतलब क्लियर कनेक्शन। बहुत बार ये लिखा रहता है कि एकदम क्लियर कनेक्शन दोनों के बीच में दिखना चाहिए, ठीक है। तो स्टोरी राइटिंग में बहुत बार ये कभी कभी डाटाबेस पे भी कुछ डाटा भी दिया रहता है, कुछ छोटा छोटा इंसिडेंट भी देके कभी पूछता है, जैसे कुछ कुछ इंसिडेंट दे दिया कि कुछ छोटा छोटा इंसिडेंट और बोलेगा इसको आप स्टोरी में, कभी एक लाइन देके भी दे देता है कि एक लाइन लिखा बोला कि आप इससे स्टोरी एंड करो, एक लाइन आपको कभी काल एडॉट कर देता है, इससे भी कहता है कि आप स्टोरी एंड करो। तो स्टोरी बेसिकली दो तीन तरीके से पूछता है, एक पिक्चर देखे जो कि मोस्ट फेमस है, पिक्चर देखे पूछने वाला सबसे फेमस है और मोस्ट कॉमन है, ठीक है। पिक्चर देखे जब पूछा जाता है तो ये बहुत बार पूछा जाता है और एक कॉमन है, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पिक्चर और स्टोरी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, मतलब बोथ आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका आता है, इसी में एक और जो पैटर्न पूछता है वो है कुछ डाटा देना, सर्टेन वर्ड्स देना और उसके बेसिस पे आपको बोला जाए स्टोरी लिखना, ठीक है। कभी काल एक सेंटेंस देता है जिसके थ्रू बोले कि आपको स्टोरी को एंड करना है, ठीक है। तो आप पहले उसी अनुसार लिखोगे ताकि उस सेंटेंस से आप स्टोरी एंड कर सको, ठीक है। तो ये तीन तरीके से आपका स्टोरी राइटिंग हो जाता है। फिर फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स के साथ क्या है, फॉर्मल लेटर जो आपके है, फॉर्मल लेटर क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर क्या है, ये पहले समझना जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस है क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या देखना पड़ता है, ठीक है। फॉर्मल लेटर में आपको एक स्ट्रिक्ट पूरा कंप्लीटली आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है और आपको अपनी फैक्ट रखना पड़ता है, आपको एक स्ट्रिक्ट आपका जो एक पैटर्न है उसके थ्रू जाना पड़ेगा, आपको जो बातें हैं जो फैक्ट है वो रखोगे, ठीक है, कि मेरे साथ ये कंडीशन है, हम इस चीज की डिमांड करते हैं, ठीक है, एकदम फैक्चुअल बात करते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर आप ऑफिशियल लेटर्स इनको कर सकते हैं, जैसे आप प्रिंसिपल के पास लिखते हो, एप्लीकेशन बचपन से लिखते हो, वो भी एक तरह का फॉर्मल लेटर ही है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट फेमस है उस पर भी हम बात करेंगे किस तरह का पूछा जाता है, वो आपका एडिटर के पास लेटर, इसके पास मोस्ट फेमस है वो एडिटर के पास लेटर, एडिटर के पास लेटर लिखना फॉर्मल में बहुत कम है, कभी कभी म्यूनसिपल कमिश्नर वगैरह, मतलब कुछ गजटेड ऑफिसर के पास आपको ये फॉर्मल लेटर लिखने को कहा जा सकता है, कुछ गजटेड ऑफिसर के पास आपको लेटर लिखने के लिए कहा जा सकता है। उसके अपोजिट इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर आप फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव आपको लेटर लिखना रहता है, ठीक है। और इसका भी एक पैटर्न होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जहां आपका जो फॉर्मल लेटर है वो फैक्चुअल बातों पे बात करता है कि आपको फैक्ट रखना है, जो बातें हैं रखिए और ये हमको ये डिमांड है, ये मेरा टर्म्स एंड कंडीशन है, जिस चीज का है जैसे, ठीक है सर, हमको जैसे सपोज कीजिए एप्लीकेशन लिखते हो क्या, हमको यहाँ जाना है, हमको इतने दिन की छुट्टी चाहिए, आप फैक्ट रखिए और ये डिमांड की। लेकिन इसके अपोजिट जो आपका इनफॉर्मल लेटर रहता है ये आपके बहुत तक हद तक फील और इमोशन पे चलता है, ये फैक्ट पे चलता है, तो ये फील और इमोशन पे चलता है, मतलब आपको आप किस कहीं गए हो, कोई इंसिडेंट हुआ, वहां आपका फील कैसा रहा, क्या चीज आप फील की हो, क्या चीज महसूस की हो, उस चीज पे ये बात का समझ आया, उस चीज पे आप ये ज्यादातर आप फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मदर फादर, ग्रैंड मदर, इन लोगों को आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वहां इमोशन को आप एक्सप्रेस करोगे ना कि फैक्ट को, इमोशनल बेसिस पे ज्यादा लिखा जाता है, ये फैक्ट पे बात नहीं करता है, ठीक है। आगे आपका जो ये तीनों टॉपिक है, स्पीच, डिबेट, जो कि बहुत कम बार, एक दो बार ही पूछा गया है, स्पीच आपका बहुत हद तक जो हम देते हैं उसी फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें आप एक टॉपिक बेसिस पे पूछा जाता है, उस चीज को आपको एक्सप्रेस करना होता है। डिबेट में आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और टॉपिक दिया रहेगा और आपको बोलेगा या तो इसके अगेंस्ट में बोलो, ठीक है, इसके अगेंस्ट मतलब उसके विरुद्ध बोलो, ठीक है, कोई भी टॉपिक दिया गया या तो उसके अगेंस्ट बोलो, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट अगर टॉपिक है तो आपको दो बात है, ठीक है, पहला बात है कि आप उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं, नहीं तो उसके सपोर्ट में बोल सकते हो, तो दोनों फैक्ट आपको दिया जाता है, तो इस फॉर्म को डिबेट करते हैं, आपको दोनों में से किसी एक ही को चुनना होता है, ठीक है। फिर आर्टिकल, आर्टिकल भी बहुत हद तक इससे से मिलता ही जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफर हुआ, हम आपको लेटर ऑन डिस्क्राइब करेंगे, हम एक टॉपिक दिया जाता है जिसके बेसिस पे हम डील करते हैं, ठीक है। अब हम ये तो ओवरऑल हम आपको व्यू बताया जिसमें आपको ये वाला सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम बार, तो हम इंपॉर्टेंट सेक्शन पहले कवर करेंगे, इस पे लेटर ऑन आएंगे, ठीक है। अब आपको आगे टॉपिक्स, मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आरएएनसी, मतलब किस टॉपिक बेस पे, मतलब कौन सा सेक्शन जो उठाते हैं जो उनका बेस्ट है, कौन सा सेक्शन उठाते हैं जो उनका बेस्ट है, इस चीज पे कवर करना है, ठीक है। तो चलिए वो देख लेते हैं पहले,
पहला तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बात याद रखिएगा, जब आप पैसिव कंपोजिशन डील करोगे तो इसमें प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब मोस्ट कॉमनली थिंग है जो इसमें आता है। प्रोवर्ब्स बहुत कॉमन है जो प्रोवर्ब्स के थ्रू आपको टॉपिक रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोवर्ब दिया जिसके थ्रू आपको टॉपिक रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कॉमन सी बात है जो आपको देखने को मिलेगी आपके एग्जाम में। ये कुछ अलग नहीं है कि आपको एक प्रोवर्ब दिया गया उसके बेसिस पे आपको लिखने को देखने को मिले। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, बेटर लेट देन नेवर, ठीक है, बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। ये आपको एक प्रोवर्ब रिप्रेजेंट किया गया, इसके थ्रू आपको बोला गया कि आप डील करो, बेटर लेट देन नेवर, एक सिंपल सा प्रोवर्ब है। इसको बोल दिया गया कि इससे मैंने लिया गया, सपोज करो 10 नंबर में, 3 नंबर में या 5 नंबर में आपको बोला गया इसके, ठीक है। ये कॉमन सा आपको देखने को मिलता है, कॉमन सा, ठीक है। तो प्रोवर्ब तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रोवर्ब की तो कमी नहीं है, प्रोवर्ब बहुत सारे हैं। तो सबसे फेवरेट का मोटिवेशनल प्रोवर्ब, मोटिवेशनल प्रोवर्ब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मोटिवेशन जो आपको एक तरह का इंस्पिरेशन दे, उस बेसिस का प्रोवर्ब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा, प्रोवर्ब रिलेटेड विद लाइफ एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन फीलिंग, जो चीज जो प्रोवर्ब्स ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, जो प्रोवर्ब्स ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन फील से रिलेटेड है, उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। सिंपल सा एक, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंस ये है कि जो प्रोवर्ब्स खास करके ह्यूमन फीलिंग्स से रिलेटेड हो, चाहे मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल प्रोवर्ब्स हो, अगर डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, तो आप जब ये आपके सामने आता है तो उस चीज को आपको अपने माइंड में रखना होगा, देखते रहना होगा, क्योंकि प्रोवर्ब्स आपके सामने जब रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो या तो आपको समझ में आता है अभी आप उस चीज को डील कर सकते हो, नहीं तो उस चीज को डील नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर, ठीक है। स्पोर्ट्स पांचवा, सोशल इशू, ठीक है। लेटर टू एडिटर ये भी बहुत कॉमन है, कभी कभी ये एडिटर की जगह किसी गजटेड ऑफिसर को भी हो सकता है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। ये भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें इसके टॉपिक रेगुलर बेसिस से अलग होता है, जैसे जनरली टॉपिक जो एडिटर के पास होता है वो सिर्फ सोशल इशू पे होता है, यहाँ ये पूरा डिफर करेगा। और इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, ये ज्यादातर जो पूछा जाता है आपके लेटर टू एडिटर में, जो ज्यादातर आपसे टॉपिक पूछा जाता है, वो ज्यादातर यूथ इनकरेजिंग रहता है, जो यूथ को इनकरेज करे उससे रिलेटेड ज्यादा टॉपिक रहता है, लाइक स्पोर्ट्स से रिलेटेड समथिंग, लाइक समथिंग ब्रेवरी रिलेटेड, दैट मींस एनीथिंग दैट इनकरेज यूथ, ठीक है। इनकरेज यूथ, यूथ को इनकरेज करने वाले टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चौथा आपका है स्पोर्ट्स, चौथा है आपका स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स बहुत कॉमन है, स्पोर्ट्स से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। फिर सोशल इशू, सोशल इशूज पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी सोशल इशू से भी क्वेश्चन रिप्लेस ये आपको आर्टिकल में देखने को मिलेगा, कभी कभी इससे भी देखने को मिलता है, ठीक है। सोशल इशूज लाइक चाइल्ड अब्यूज, फीमेल फेमिनिसाइड, इस तरह के टॉपिक भी आपको सोशल इशू में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सिक्स, एक है आपका ब्रेवरी और फिर डिफेंस रिलेटेड टॉपिक। ब्रेवरी से भी जैसे कुछ ये दोनों आपको ज्यादातर स्टोरी राइटिंग में देखने को मिलेगा, जैसे कोई टॉपिक इंसिडेंट आपके सामने रखा गया कि वो खास करके ब्रेवरी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और इसमें ज्यादातर सर्टेन आर्मी के जो बहुत फेमस ऑफिसर रह चुके हैं उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, उनके लाइफ का सर्टेन इंसिडेंट भी लिया जाता है, उसके थ्रू आपको स्टोरी डिपिक्ट करना रहता है, उनके थ्रू आपको स्टोरी डिपिक्ट करना रहता है, ठीक है। फिर डिफेंस रिलेटेड टॉपिक, डिफेंस रिलेटेड टॉपिक, दैट मींस टॉपिक रिलेटेड टू आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। ये भी आपको स्टोरी राइटिंग में भी देखने को मिलता है, कभी कभी इससे रिलेटेड मोटिवेशनल प्रोवर्ब भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल आप देख रहे हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं, जिसको आपको डे टू डे लाइफ में जिसके थ्रू वो थ्रू होते हैं उनको माइंड में रखना है, ठीक है। प्रोवर्ब्स का इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपके सामने प्रोवर्ब्स रेज किए जाते हैं वो ज्यादातर शॉर्ट रहते हैं, बहुत लंबा प्रोवर्ब नहीं पूछाता, बहुत लंबा प्रोवर्ब नहीं पूछाता, हमेशा शॉर्ट शॉर्ट प्रोवर्ब और डीप मीनिंग प्रोवर्ब्स पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे एक और चीज कंक्लूड करना जरूरी है, जब हम किसी इतने तरह के राइटिंग देखते हैं, इतना तरह का इससे देखे, कंपोजिशन देखे, स्टोरी राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग, फिर आपको उधर डिबेट था, आर्टिकल था, स्पीच था, फिर ये फॉर्मेट इसका, इस तरह का टॉपिक्स जो आपको फोकस करना है, इन
सबको हम चाहे तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दो तरह के आप राइटिंग चीजों पे कवर करोगे। एक होता है फैक्चुअल, आपको बहुत सारे टॉपिक होंगे जो फैक्ट पे आपको बात करना पड़ेगा। दूसरा रहेगा इमोशनल या ह्यूमन फीलिंग, जो आपका रहेगा जो आप लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू उस पे चीज़ पे लिखोगे। अगर आप लाइफ में एक्सपीरियंस की हो तो लिखोगे, ठीक है। फैक्ट मीन्स या किसी चीज को क्लोजली एब्जॉर्व की हो, मतलब आप किसी भी चीज को क्लोजली एब्जॉर्व करते हो, उस चीज पे भी बहुत सारे टॉपिक रेज होते हो, ठीक है। उस चीज को एब्जॉर्व करने के बाद आपको क्या फील आता है, क्या आपके फीलिंग होते हैं उस चीज पे, तो दो तरह का बात, या तो फैक्चुअल लिखोगे नहीं तो इमोशनल या फीलिंग बेस्ड। तो इससे में आपको दोनों तरह, इससे कंपोजिशन में आपको दोनों तरह का मिलेगा, बहुत सारे फैक्चुअल बेस भी मिलेंगे और बहुत सारे इमोशन बेस भी। लेकिन आपको ये वाला जब देखोगे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, तो इसमें ये कंप्लीटली फॉर्मल में आप रखोगे, इनफॉर्मल में उसके अपोजिट क्या रखोगे, इमोशन रखोगे, ठीक है। अब इतने सारे टॉपिक है, इतने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसके थ्रू आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको दोनों फैक्ट मिलेंगे, ठीक है, दोनों फैक्ट मिलेंगे। कहीं पर आप इमोशन बेस पे लिखोगे और कहीं कहीं आप फैक्ट बेस पे लिखो, लेकिन इमोशन बेसिस पे हम जब किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें हमको क्या चीज ध्यान में रखना है, फैक्ट रखना है। तो क्या चीज रखना है, फैक्ट जब भी हम किसी जब राइट करेंगे तो टू दी पॉइंट जो बातें हैं उसको क्लियरली रखेंगे, ठीक है। हम किसी और बातों को उस चीज में रैप नहीं करेंगे, जो फैक्ट है सो रखेंगे, ठीक है। ये बातें हैं उनके सामने आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके अपोजिट जब इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो इमोशंस में हमको एक पैटर्न नहीं बताना है कि हाँ ये हुआ इसके बाद ये हुआ इसके बाद ये हुआ, ये अगर कोई भी चीज हुआ है तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ा, फील कैसे कर रहे हो, उस फील को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, फील को एक्सप्रेस करेंगे। तो वो आपको फील और इमोशन पे ज्यादा वर्क करना है कि आप आसानी से उस चीज को एक्सप्रेस कर सको, आसानी से उस चीज को समझ सको, इसी पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दो बात आपको समझ में आएगी, कुछ आपका फैक्चुअल है, कुछ आपका इमोशन है। ये भी हम आपको क्लियर कर दें कि आपको फैक्चुअल बेस आपको ज्यादा मिलेंगे, जो फैक्ट्स में अपनी फैक्ट्स ज्यादा रखोगे, हाँ ये बात है इंसिडेंट, जो मतलब टू दी पॉइंट बातें रखने वाले टॉपिक ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू इमोशन बेस पे, ठीक है। लेकिन किसी दो बेस पे आपको ज्यादा टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो शुरू का आपका टॉपिक्स है, इसमें आपको एक बात, टॉपिक्स आपको जो जिससे रिलेटेड टॉपिक्स आता है, जिससे मोटिवेशनल प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब रिलेटेड विद लाइफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन फीलिंग, इसमें आपको एक चीज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जब आपके सामने ये टॉपिक्स आए तो ये प्रोवर्ब्स बहुत सारे हैं, प्रोवर्ब्स की कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको हर प्रोवर्ब्स को अगर आप सही से समझते हो, सही से जानते हो, तभी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हम एक बहुत कॉमन बार पूछा जा चुका है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर इट, टाइम और टाइड वेट फॉर इट, तो ये देखने में बड़ा आसान लगता है, छोटा सा, ठीक है, लेकिन ये काफी डीप मीनिंग कैरी करता है। अगर उस प्रोवर्ब को आप डीपली नहीं समझते हो, सही कंसेप्ट प्रोवर्ब का नहीं रखते हो, तो आप अपने फील को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, चाहे इधर वो फैक्चुअल हो आइधर आपका इमोशन बेस कर रहा। तो आपको टोटली उस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है, प्रोवर्ब्स को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, प्रोवर्ब्स का मीनिंग जानने से नहीं, रियल प्रोवर्ब्स कैरी क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम प्रोवर्ब एक तरह का सिंबल कैरी करते हैं, प्रोवर्ब्स एक तरह का सिंबल कैरी करते हैं जो आपके लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, रिप्रेजेंट किसी और मीडियम के थ्रू किसी और चीज को किया जाता है, वो लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, इमोशन से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, या फैक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझना होगा, तो आपको जो भी प्रोवर्ब्स आपको आए उसको आपको डीपली अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोवर्ब्स से हम इतना जोर इसलिए दे रहे हैं कि प्रोवर्ब्स बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। प्रोवर्ब्स, यू कैन से दैट प्रोवर्ब्स इज द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ आरआईएनसी राइटिंग सेक्शन, ठीक है, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है प्रोवर्ब्स, और वो भी तरह के प्रोवर्ब्स, इस तरह के प्रोवर्ब्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। तो प्रोवर्ब्स सबसे पहले आपके लाइफ दिन भर में जो आपके सामने प्रोवर्ब्स गुजरते हैं, जो दिखते हैं, उस चीज को आपको फोकस करना होगा, समझना होगा, जानना होगा, मैक्सिमम प्रोवर्ब आपको जितने दिखते हैं उनको समझो और जानो। या ये भी बात रखना है कि प्रोवर्ब्स में बहुत लंबा प्रोवर्ब्स नहीं आता, अक्सर शॉर्ट इसके प्रोवर्ब्स पूछे जाते हैं, जो छोटा हो, टू द पॉइंट हो, उस ढंग का प्रोवर्ब, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका एक व्यू रहा, जो आपका टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग जब डील करेंगे तो ईआरपी इंट्रोडक्शन क्लास है, इससे कंपोजिशन में डिफरेंस कैसे, क्या दोनों में डिफरेंस होता है, कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये सब के विषय में बात करेंगे, स्टोरी राइटिंग जो भी आएंगे। तो पहले स्टार्टिंग करेंगे इससे से, ठीक है, क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्योंकि पहले आपको समझना होगा कि किस ढंग से लिखते हैं आपके ऐसे, क्योंकि जैसे तीन तरह का ऐसे होता है, तो कौन सा ऐसे है, किसमें किस चीज पे फोकस करना है, किसमें किस चीज को छोड़ना है, ये सब चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप जब सीख लोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।